तो आइए बात करते हैं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी और अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में चेतावनी जारी की गई है। बादल फटने को लेकर, बिजली गिरने को लेकर, भारी बारिश के बीच आंधी और तूफान जैसी हवाएं भी चलेगी। आइए जानते हैं संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो आपको बता दूं, भले ही दोस्तों देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश देखने को मिल रही हो, लेकिन अभी भी मौसम विभाग का यही कहना है कि पिछला महीना जो जुलाई का गया ना, उसमें देश भर में सामान्य से 7% कम बारिश हुई। जबकि आपको पता होगा कि कई राज्यों के हालात क्या चल रहे हैं, बाढ़ से लोगों की जिंदगी तबाह हो रही है, उसके बावजूद मतलब ऑल ओवर एवरेज बारिश जो है ना, वो जुलाई महीने में 7% कम रही, ये कहना मौसम विभाग की तरफ से। वहीं अगले 2 से 3 दिन तक यानी कि 4 से 5 अगस्त तक कई राज्यों में भारी बारिश जो है जारी रहेगी। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों के लिए मौसम विभाग की तरफ से अभी भी मानसून कंटिन्यू रहने का अलर्ट जारी किया गया। यहां तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया, जबकि राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश में झमाझम बारिश अभी भी जारी रहेगी। राजस्थान राज्य में तो अगले 4-5 दिन तक भारी बारिश की संभावना है। वही दोस्तों, भारी बारिश के कारण राजधानी दिल्ली में यमुना नदी अभी भी उफान पर चल रही है। राजस्थान में भी कई जगहों पर लोगों के घरों में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश राज्य में 632 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ भारी बारिश के कारण। वही कर्नाटक राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने का कर्नाटक के मुख्यमंत्री की तरफ से ऐलान किया गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल ही कर्नाटक राज्य के 30 जिलों में से 13 जिलों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जिन परिवारों के क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनको 5-5 लाख रुपए का सरकार मुआवजा देगी। अभी किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है 2-3 दिन तक, तो आपको बता दूं, अगले 24 से 48 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कोंकण, गोवा के कुछ भागों में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। उत्तर पूर्व में बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तटीय कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप हल्की बारिश के साथ साथ मौसम सक्रिय रख सकते हैं। वहीं गुजरात, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु के भी अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। वैसे आपके राज्य में अभी बारिश का हालचाल क्या चल रहा है, बारिश तेज हो रही या नहीं, किसान भाई लोगों के लिए फसलों का हाल क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ दोस्तों आप कौन से राज्य में रहते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।